हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशी लाइफ। तो गाइस, आज वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉस्पिटल का व्लॉग। एक तो मेरे व्लॉग इतने ज़्यादा लेट आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ यार। पता है, ये वाला व्लॉग मैंने इतने दिन पहले से शूट करके रखा हुआ था, बट वही है, एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। बैक टू बैक मेरे थोड़े से शूट वगैरह का काम चल रहा था, तो इस वजह से ना मतलब याद नहीं रह रहा था कि ये व्लॉग भी डालने हैं, एडिट करने हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पर नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं आरू के टाइम पर भी आई थी पहले। आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे पहले वाले, तो आप लोगों को पता होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी था ये वाला हॉस्पिटल। गाइस, हमारे ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। गो कॉपीराइट। गुड आइडिया गाइस, मैं इसे चलाने जाता ना जाता, मेरे हाथ पैर टूटे हुए। ये चले गए गाड़ी लेकर पार्क करने, मैं उधर पीढ़ी के लिए जा रही हूँ। यार, कार को पार्क करके इतने मैं चल रही हूँ कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्लो चलती हूँ। मैं 1 मिनट में जाते चला नहीं जाती। पार्क कहाँ है? पार्क और देखना मेरे से कितनी जल्दी इतने आगे भगेंगे। मैं सोचती थी मैं पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि जब भी आप मुझे पीछे ही छोड़ सकते हैं। रन की कितने चलते हैं ये आदमी, मेरे भी फॉर्म है छोटे छोटे। पूरा का पूरा हॉस्पिटल से खाली खाली सा लग रहा है। सही है, हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। उप्स, नाउ सिर्फ और सिर्फ इधर ही खाली था, इधर तो पूरा भर रहा है। यहाँ पर हमें जाना है, ये अभी भी चले जा रहे। इससे पहले आई थी मैं, और जब भी मैं पीछे आई थी, पता नहीं मैं इतना धीरे क्यों चलती हूँ। ये करा रहे हैं बिलिंग वगैरह, इतने मैं कर रही हूँ। गाइस, ये है आदमी, पैसे खर्च करके मुझे दर्द दे रहे हैं। फिर से स्पीड अप हो गई है, मैं फिर से पीछे हूँ। मुझे तो लग रहा सब बंद हो गया। ओके, लो मेरा व्लॉग आप बनाना फिर। आप इधर तो पहले भी आई हूँ ना, एक साल पहले आई, एक साल भी नहीं ज़्यादा, 2 साल पहले। एक साल का तो बार हो ही गया। मैंने तो कल भी ये टी शर्ट पहनी थी। बैकग्राउंड म्यूजिक देखो, मेरे सुई लग गई, मैं डोले को नहीं आ रही है। पल ने मेरा ब्लॉग नहीं बनाया, ये आज मैं चाहते थे कि मैं एक अच्छी ब्लॉगर बनूँ। मेरे आधे ब्लॉग तो इसलिए नहीं आते क्योंकि आज मेरे ब्लॉग ही नहीं बनाते। ये देखो मेरी सुई लग गई। क्या रहे तो भाई रहेंगे तो ईजिली बना सकते थे, लेकिन हमें वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं होता, होता है। अब आप लोगों को किस वजह का, मैंने सुई खाई, लेकिन खाई है ये रही, और दर्द भी बहुत हुआ मुझे, तो सुई से डर लगता है। अभी भी ब्लड आ जाएगा गाइस। गाइस, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे, और ये गई है दवाई लेने, मैं ही देती हूँ दवाई। तो गाइस देखो ये मेरे से कितने ऑब्सेस हैं। मैं यहाँ साइड में बैठी हूँ, फिर भी ये मेरे देखो कितनी जल्दी नीचे रखा, फिर भी ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। लोग नहीं, मैं ऐड देख रहा था। ये चीज नहीं लेनी होती है। हे गाइस, तो अभी हम लोग वहां से आ गए हैं। इन्होंने पूरा का पूरा 1.5 घंटा लगाया दवाई लेने में, ठीक है। पर देखो दवाई अब तो दर्द ऐसा भी हो रहा है, ऐसा कैसे भी लगे, मैंने ऐसे करा ना एकदम से पेन सा हुआ। देखो गाइस, इन्होंने मेरे को सुई भी लगवाई है, वो भी पैसे दे के मेरे को पेन दिया इन्होंने। कितने बदतमीज है ये, मैंने तेरा खून निकलवा दिया। इन्होंने रोज मैं इनका खून पीता था, तो इन्होंने सोचा कि आज मैं इसका भी खून निकाल लेता हूं। बट अफसोस इनको पीने के लिए नहीं मिलेगा वो। औरतों की लिपस्टिक मर्दों के खून से बनती है। क्या? औरतों की लिपस्टिक मर्दों के खून से बनती है। अरे यार, ये पता इसके लिए बोल रहा है क्योंकि मेरे पास एक टिंट है रेड कलर का, तो मैं वो लगा रही। तो मैंने एक दिन वैसे मजाक में बोल दिया कि मैंने जो भी आपको ब्लड खींचा है ना उससे बनाई है, तो इसलिए ऐसे बोल रहे की औरतों की लिपस्टिक मर्दों के खून से बनती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट पे, ठीक है। उस पे से मैं मतलब
जब मेरा मन करता है, जब मर्जी, मतलब मैं कई बार कहीं जाना भी नहीं होगा ना, तब भी वहाँ पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को उसके खाना टेस्टी लगता है और मेरे को उसकी क्रेविंग्स हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिलशाद गार्डन में, साउथ इंडियन कॉर्नर पर, मेरा फेवरेट। और इनको मैं ज़बरदस्ती लेकर जा रही हूँ, मेरे से कह रहे हॉस्पिटल आइए जूस वूस पी के, ऊपर मैं मरीज थोड़ी हूँ ना जो मैं जूस वूस पीऊँ। यस, एक बार मैंने जो कह दिया गाइस वो मैं करके रहती हूँ, करवा के रहती हूँ, सॉरी। और इन्होंने मेरी इतनी अच्छी वीडियो बनाई, मतलब जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी वीडियो बनाई होगी इन्होंने। पहले मैंने बनवाई, इन्होंने बेकार बनाई, लेकिन अब एकदम परफेक्ट बनाई। तो ये भी ट्रेंड होते जा रहे हैं, मेरे साथ रह रहे कि अच्छी वीडियो बनाने लगे। जूस और मेरा कोई नाता नहीं है भाई, एक बेलपत्र का जूस देना, एक जूस मैदा तो ना भाई, भाई मैदा तो ना है, मैदा तो ना मिला रखी क्या? मैदा पी लो, मैदा तो वैसी लगेगी अगर मैदा होगी तो। पहला बना होने देना, पहला ही होता है ये। क्यों पहला होता है ये? फ्रेश नहीं होता, फ्रेश होता है ये, टाइम लगता है ना बेल पत्थर से निकालने में इसको। तुझे पीना है? मैंने तो पहली बार सुना है कि ऐसा भी तो जूस होता है। नहीं मुझे नहीं पीना, मैं गाइस नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करती खाने के मामले में ना, बहुत जूस है। कैसा है मैंगो शूज से लगा, देखने टेस्ट भी ऐसा ही है। भाई बोलना एक बारी। भाई 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 तो गाइस अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। सिखाया से भाई कहना, अब मैं तो यहाँ बता नहीं सकता। मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो आप। खाली होगा सारा का सारा ना, है ना? हर कोई अपना यूट्यूब चैनल देखो गाइस, हम भी ऐसे लिख वाले इंस्टाग्राम वगैरह। मुझे बहुत क्रिंच चीज़ लगती है ऐसे ही। गाइस हम लोग आ गए, जैसा कि मैंने बोला था कि खाली होगा, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली है। क्या क्या मंगाओगे? गाइस मैं अभी ना कार में आके बैठी हूँ, क्योंकि जिससे चक्कर से आने लगे तो मेरी तबीयत खराब लग रही थी। एक तो धूप इतनी है ना, मुझसे धूप बर्दाश्त होती नहीं है, तो मेरी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है गर्मी में बहुत जल्दी जल्दी। तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस मैं लौट जाऊँ और हिलूँ भी ना, इसलिए मैं गाड़ी में आके बैठी और ये लेकर आ रही जितना भी खाना पीने का सामान था सारा। और यार ये खाने पीने का लेकर घर पे, और घर पे आने के बाद यार मेरा सर फट गया, क्योंकि धूप में ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बस पूछो मत। यार वो बर्तन बजाता हुआ घूम रहा है सारे में, और अभी मैं लेटी हुई हूँ बस। और गाइस मेरे को व्लॉग एंड करना था ना, तो इस वजह से मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो आप लोग बताना व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं हॉस्पिटल गई थी, अभी रिपोर्ट वगैरह जब आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। अभी रिपोर्ट आई नहीं, अभी मैंने बस ब्लड टेस्ट करवाया है, तो अभी ब्लड टेस्ट करा कर और डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ मैं।
अभी जब वापस से विजिट करने के लिए जाऊंगी ना तो आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों ने ब्लॉग देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय।